के बारे में बताइए सर। तो यहाँ बेसिकली 500 से ज़्यादा धागे है पॉलीप्रोपिलीन। हाँ, तो धागे यहाँ आके यहाँ पे वीविंग हो रहा है, एक एक धागा कलेक्ट हो रहा है ये मशीन के सेंटर में, और वो धागे से वीविंग हो रहा है। और ये वीविंग वोवन फैब्रिक बोलते हैं इसको, पॉलीप्रोपिलीन का है। और ये सारा वीविंग होके ये कम्प्लीटली रोल होके फिर इधर जा रहे हैं जी। यहाँ दोनों साइड से धागे आ रहे हैं और बीच में निकल के पूरा यहाँ वाइंडिंग हो रहा है, रोल बनता है। ये दोनों साइड से आ रहा है, तो सर ये कितने रोल्स होंगे इसे? ये 500 रोल्स। 500 जी। अच्छा, तो सर हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू प्लास्टर एशिया 2022, स्वागत है आपका। और यहां पर आ गए हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीन्स बनाती है, और जो भी प्लास्टिक्स बैग्स है, चाहे सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ हो और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाले हैं, उनके जो मशीन्स है वो बनाते हैं। और आज उन्हीं से बात करवाने वाले हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हो या जुड़ना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो? थैंक यू, आई एम गुड। एंड एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सर अपने बारे में? तो हमारी कंपनी JP एक्सट्रूजन टेक प्राइवेट लिमिटेड, वी आर बेस्ड इन अंकलेश्वर गुजरात। सिंस लास्ट 35 ईयर्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। सो आवर एंड यूजर्स एंड आवर एंड प्रोडक्ट्स दे आर यूज इन डिफरेंट फील्ड सच एज केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड एंड फार्मा इंडस्ट्री। तो बेसिकली आप मशीन्स ही बनाते हो, मशीनरीज बनाते हो? राइट, वी मेक मशीनरीज, कम्प्लीट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, और ये कंपनी कौन सी कंपनी है सर? JP एक्सट्रूजन टेक प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ पार्ट ऑफ JP ग्रुप। अच्छा, JP ग्रुप की कंपनी। यस सर। हाँ जी सर। तो सर यहाँ पर ये काफ़ी सारी मशीन्स है और चल भी रहे हैं, तो उनके फंक्शनलिटी के बारे में समझा सकते हैं? तो ये है एक सर्कुलर वीविंग मशीन लूम। तो इस मशीन से बेसिकली पॉलीप्रोपिलीन के धागे से फैब्रिक बनता है। तो इवेंचुअली जब हम ये फैब्रिक का रोल बनने के बाद हम इसको बैग के साइजेस में काटते, और इसके ऊपर आप लैमिनेशन कर सकते हो, इसके ऊपर आपके कंपनी का लोगो और डेटा प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर राइस बैग हो तो राइस का प्रिंटिंग होगा, अगर सीमेंट बैग हो तो सीमेंट का ब्रांड प्रिंट होगा। तो बेसिकली धागे से फैब्रिक बन रहा है। और इसके पहले एक मशीन आती है टेप एक्सट्रूजन। जैसे यहाँ पर ये रोल्स है, ये रोल्स यहाँ से जाएगी, और ये एक मटेरियल कौन सी है सर? ये पॉलीप्रोपिलीन रॉ मटेरियल है, पॉलीमर है। पॉलीमर है, पॉलीप्रोपिलीन जी। हाँ जी। और ये यहाँ पर जाएंगे इस वीविंग मशीन में, यहाँ पर इनको बुना जाएगा, इसके बारे में बताइए सर। तो यहाँ बेसिकली 500 से ज़्यादा धागे है पॉलीप्रोपिलीन। हाँ, तो धागे यहाँ आके यहाँ पे वीविंग हो रहा है, एक एक धागा कलेक्ट हो रहा है ये मशीन के सेंटर में, और वो धागे से वीविंग हो रहा है। और ये वीविंग वोवन फैब्रिक बोलते हैं इसको, पॉलीप्रोपिलीन का है। और ये सारा वीविंग होके ये कम्प्लीटली रोल होके फिर इधर जा रहे हैं जी। यहाँ दोनों साइड से धागे आ रहे हैं और बीच में निकल के पूरा यहाँ वाइंडिंग हो रहा है, रोल बनता है। ये दोनों साइड से आ रहा है, तो सर ये कितने रोल्स होंगे इसे? ये 500 रोल्स। 500 जी। अच्छा, तो सर जैसे सर अगर ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, तो सर ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स है, तो इसके लिए कुछ खास टेक्निकल नॉलेज या इसके लिए होना चाहिए ट्रेनिंग चलाने के लिए या बनाने के लिए? नहीं, जैसे अगर कोई आपसे ये मशीन्स लेते हैं तो उसकी ट्रेनिंग और इंस्टॉलेशन का क्या होता है? जी, हम ऑपरेटर लेवल ट्रेनिंग स्टार्टिंग में देते हैं, मशीन जब इंस्टॉलेशन करते हैं कस्टमर साइड पे। और ऑपरेटर जनरली ये फील्ड में काफ़ी लोग अवेलेबल है जो इनको अच्छे से चला सकते हैं। तो वो जो अगर मशीन्स लेते हैं उसको आप प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो इंस्टॉलेशन के साथ ही? आप आ जाइए यहाँ पर। और ये वहाँ से वीव होके आया और यहाँ पर ये
रोल हो रहा है, रोल फॉर्म में आ रहा है। जी हाँ, बैग्स है, प्लास्टिक बैग्स है, ये किस तरह से बनेंगे फिर? तो अभी ये रोल बन जाएगा, जो रोल पूरे दिन में 12 घंटे में आप 3000 मीटर तक इसका रोल बना सकते हैं। और फिर ये रोल बनने के बाद आप इसको एक्सट्रूजन कोटिंग मशीन में लेमिनेशन कर सकते हो, या आगे प्रिंटिंग करके फिर उसको कटिंग करना है। इसके लिए उसको बैक साइज में कट करने के लिए भी अलग मशीन है। आप इधर से दिखाओ इसको, ये बैग। तो इस तरह के ये प्लास्टिक बैग्स तैयार हो जाएंगे। जी हाँ। और इस पे आप अपने कंपनी का लोगोज जो भी आपको प्रिंट करना है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, ब्रांडिंग कर सकते हैं, लोगो प्रिंट करा सकते हैं। ये मोनोफिलामेंट के धागे हैं। अच्छा। और ये पेट और पीपी बॉक्स ट्रैपिंग है, ये जो पैकेजिंग में इंडस्ट्री में यूज़ होता है बॉक्सेस को पैक करने के लिए। और इसके बारे में बताइए सर, यहाँ पर ये खाली उसी का बड़ा शेप है। अगर आपको बड़ा वाइंड करना है, वो जो बॉबिन है वो, ये जंबो वाइंडर बोलते हैं इसको। अच्छा। जंबो वाइंडिंग तो वो है साइज़ के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मशीन से ले सकते हैं। हाँ, बड़ी साइज़ में अगर आपको बनाना है तो आप ये बड़े जंबो वाइंडर्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। तो सर ये तो मशीन हमने देख लिया, अगर कोई बैठाना चाह रहा है, अगर नया स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो क्या इसी कॉस्टिंग क्या पड़ जाती है सर? ये तो पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरा कॉस्टिंग का बता देंगे हम। अच्छा। मतलब यहाँ पर रिवील नहीं करोगे आप? नहीं कर सकते, बट ये पूरा प्रोजेक्ट 5 करोड़ के ऊपर जाता है। अच्छा, ये पूरा बिठाने का? हाँ हाँ जी सर। तो अगर कोई लगाना चाह रहा है, यहाँ पर बिठाना चाह रहा है अपने यहाँ, तो उसमें है कि एक तो प्राइमरी है कि सर्विसिंग का और यहाँ ट्रेनिंग का, तो वो आप कैसे करते हो सर? इस मशीन लेते हैं तो सर्विसिंग तो मिलेगी आपको, और ट्रेनिंग तो इस लेवल में काफ़ी लोग ऑलरेडी काम करते हैं, आपको मार्केट से लोग मिलेंगे इस लेवल के लिए। आप प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो? हम सिर्फ ऑपरेटर लेवल स्टार्टिंग की ट्रेनिंग देती है। ऑपरेटर को जनरली पता रहता है कैसे यूज़ करना है, अगर नहीं आता है तो हम उनको बेसिक्स बता देते हैं। अच्छा। बट एक महीना काम करने के बाद ऑपरेटर खुद से ट्रेन हो जाएगा ये। तो वो आप है कि आप बेसिक लेवल के उनको आप ट्रेनिंग देते हो। जैसे अगर ये मशीन्स के बात करें तो आप इंडिया में कितने अभी तक इंस्टॉल कर चुके हैं? हमने वर्ल्ड वाइड टोटल मिला के आज तक 6500 से ज़्यादा। हाँ, 6500 से ज़्यादा आपने इंस्टॉल किए हैं? जी, हमारे मोर देन 38 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है हमने मशीन। 38 कंट्रीज में? जी हाँ। और ये अपना मेड इन इंडिया इन हाउस है? जी, ये बिल्कुल मेड इन इंडिया हमारा गुजरात में लास्ट 35 ईयर्स से सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। तो हम वी आर बेस्ड इन गुजरात, वहीं पे हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा। हाँ जी। वी आर अ फैमिली ओन्ड कंपनी। अच्छा, आपकी फैमिली बिजनेस? हाँ, पूरा फैमिली बिजनेस। हाँ जी। तो सर अगर किसी को लेना है तो वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.jpel.in, एंड वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सर आप अपना कार्ड दिखा सकते हैं? तो ये रहा सर का कार्ड, यहाँ पर आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स मिल जाएंगे, और साथ ही आप ईमेल्स मिल जाएंगे। आपको अगर स्टार्टअप करना है, या पहले से इंडस्ट्रीज है उसमें नया सेगमेंट ऐड करना है, या अगर ये इंडस्ट्रीज़ में अगर आप आना चाहते हैं, इस मशीन्स की ज़रूरत है, तो डायरेक्टली आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और आपके अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर मशीन से आपको मिल जाएंगे, है ना सर? चलिए सर, बात करने के लिए धन्यवाद सर।